पिता तमेव तमेव बन्धो च सखा हमारे गांव के कार्यकर्ता एनडीए के कार्यकर्ता के सामने विकास पर वो चर्चा नहीं कर सकता। अभी चर्चा टेक्नोलॉजी कर सकता है, वोटोक्रेसी की बात कर सकता है। अभी देश के अंदर टेक्नोलॉजी और वोटोक्रेसी चल रहा है। ये महागठबंधन नहीं तो हम लोगों ने कहा ये महाठगबंधन है, तो फिर हुआ ये महाठगबंधन भी नहीं है, महामिलावट है। जब महामिलावट कहा गया तो लोगों को बुरा लगा। ममता बनर्जी कलकत्ता, जब राहुल गांधी अभी वोट मांगने गए, आग उगल रहे थे किस पर? ममता बनर्जी। काहे के लिए हटाओ? ये चौकीदार ऐसा चौकीदार है, कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई जेल जाने की तैयारी है। अगर है कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज कितना था, आज कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर भारत में आज 400 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज, जो 290, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इसलिए कि सरकार नहीं झुकूंगा। जिन चीजों की बात की है मेरे अंदर भी वो है, क्योंकि ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की होम है, जो श्री बाबू ने इसे साझा समारने को लोग कह रहे हैं। गिरिराज जी, हमारे गांव नहीं हो, हम कहे हाँ, हमने कहा 21 दिन का मेरे पास समय है। मैंने भूमिपाल जी को बता दिया है, क्योंकि दो दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लोग आएंगे, रामविलास पासवान जी जैसे लोग आएंगे। आग्रह है कि आप अक्षर जी से संपर्क करने के बाद, भोजन करने के बाद आप संपर्क कर लेंगे। और मैं समझता हूं आपने मुझे मुझ पर आप भरोसा किया। 11 बजे से खड़े हैं, बैठे हैं, मैंने कह दिया मेरी लड़ाई राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मेरी लड़ाई विकास को रोकने वालों के खिलाफ है। मेरी लड़ाई ये है, मेरी लड़ाई आतंकवाद की खात्मा से। भारत माता को आंख ना दिखाए, यहाँ दूसरे दुश्मन देश का झंडा ना फहराए, ये हमारी लड़ाई है। हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और आपको भरोसा देते हैं कि मैं उम्मीदवार हूं। मेरी बातों पर आपने भरोसा किया है, आने वाले दिनों में की घोषणा करता हूं। और आप सबों से विनम्र आग्रह, आप स्वाभाविक रूप से भीड़ है, सुनिए, इनवाइट होने दीजिए, सब फोटो लीजिए। और सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु यहां पर उपस्थित हैं, पीछे इस सभा का, इस मंच के पीछे बाएं ओर में आप सबों के लिए भोजन का व्यवस्था है। सबों से आग्रह, भोजन करके ही प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद भारत माता की। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहिए। और जो डबल इंजन की सरकार चल रही है दिल्ली और पटना की, उस डबल इंजन की सरकार के प्रति फिर से विश्वास व्यक्त करना चाहती है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, रामविलास जी जी। और एक बड़े अंतर के साथ इस बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्री गिरिराज सिंह जी यहाँ से चुनाव जीते। विरोध में जिस तरह से राष्ट्रद्रोही कहें या फिर कहें कि राष्ट्र के विरोध में कन्हैया का नाम आता रहा, वैसे में राष्ट्रवाद चेहरा लिए गिरिराज सिंह सामने हैं। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जी, लेकिन यह साफ है कि इस देश के अंदर रहने वाली जनता भारत माता के प्रति प्रेम रखती है। इस देश के अंदर रहने वाली जनता भारत माता की जय कहने वालों के प्रति विश्वास रखती है, भारत के सैनिकों के प्रति सम्मान रखती है, भारत के सैनिकों के शौर्य को सलाम करती है।
और जो लोग भारत के सैनिकों का अपमान करेंगे, जो लोग भारत के सैनिकों के शौर्य पर प्रश्न उठाएंगे, उनको जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और उनको कतई अपना समर्थन नहीं देगी। तो अब जो भी लोग इस तरह के हैं समाज में, जो दुश्मन देशों के समर्थन में कभी बयान देते हैं, तो कभी भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न उठाते हैं, भारतीय सैनिकों के सम्मान को चोट पहुंचाते हैं, वैसे लोगों को जनता चुनाव में चोट पहुंचाएगी। कई राज्यों में आप प्रभारी रहे हैं, बिहार के बारे में क्या है? अभी भी प्रभारी हूँ। बिहार के बारे में क्या है? कितनी सीटें मिलेंगी? 40 में 40, झारखंड में 14 में 14। नीतीश कुमार के साथ का सपोर्ट है उसमें? मैंने कहा ना कि और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी का जो नेतृत्व है, वह ताकत हमको इस सफलता को प्राप्त कराएगी। एनडीए के विधायक बेगूसराय में बाहरी का नारा लगा रहे हैं, बाहरी को जितने नहीं देंगे सब तो बच पड़ते हैं। अभी देखे वो काफी दूर दूर तक कर रहे हैं, गांव गांव घूम कर कर रहे हैं सब लोग। अभी मंच पर से भाषण दिए तो आपके कैमरा में यदि आप नहीं रिकॉर्ड किए तो रिकॉर्ड कर लेते तो पता लग जाता। आपके हिसाब से साफ इससे ज्यादा क्या, हाथ उठा उठा के कार्यकर्ता और दिल की बात है ना। देखिए विषय है, यह लड़ाई भारत की रक्षा से जुड़ा हुआ, यह लड़ाई भारत की विकास से जुड़ा हुआ। बेगूसराय की जनता भी तो इस देश की रक्षा और इस देश के विकास के साथ जुड़ी हुई है। तो रक्षा हो और विकास हो, उसी रास्ते में बेगूसराय की जनता चलेगी, एनडीए चलेगा। उनकी बात नहीं चलेगी, असल चलेगी बिहार में नीतीश कुमार की, मोदी जी की और रामविलास पासवान की। उनके नेतृत्व में मैं इश्ताम उल्लाह अंसारी, बीवी मजदूर नेता, सह जिला जदयू अल्पसंख्यक अध्यक्ष। वैसे मैं प्रयासरत था कि बेगूसराय से चुनाव लड़ूं, उनकी इच्छा थी। मानवर भोला बाबू जो हम लोगों के नेता थे, जो कर दिया है कर दिया है, अभी के भाषण पर जो आपको लेना है। जिग्नेश वाले बताया कि जो हमने करना था कर दिया। चलिए, क्या रणनीति है चुनाव के लिए? चुनाव के लिए सीधा रणनीति है कि जनता से संपर्क, जनता को एकजुट करना। जो विकृत राष्ट्रवाद के लोग हैं, जो थेथरोलॉजी की राजनीति करते, जो वोटोक्रेसी की राजनीति करते, उनके खिलाफ जनता को एकजुट करना, विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए, भारत के मजबूती के लिए, एक मजबूर प्रधानमंत्री, एक मजबूत प्रधानमंत्री के लिए, यही लड़ाई। देश के प्रमुख जो मोदी के विरोधी हैं, आपके विपक्षी के प्रचार में आ रहे हैं, वैसे में कैसे निपटेंगे इस चुनौती को? देखिए, जनता निपटेगी,